ओ भाई कितने स्कोड आ गए मिलिट्री बेस में। ओ भाई मरेंगे पक्का, कम से कम 10 से 12 स्कोड है, यहाँ से नहीं बच के निकल पाएंगे। ओ भाई कितने बंदे। हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस और ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री बेस में 5 से 6 स्क्वाड आ जाती है मैक्स, लेकिन यार इस वाले गेम प्ले में कम से कम 10 से 12 स्क्वाड आ जाएंगे मिलिट्री बेस में और बहुत ही ज़्यादा तबाही होने वाली है। और क्या मैं मिलिट्री बेस को सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, उसके लिए आप लोगों को पूरा गेम देखना पड़ेगा और भाई वीडियो में बने रहो। सो सबसे पहले हम लोग मिलिट्री बेस आ जाते हैं और ट्रिपल बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब मैं भाई पीछे घुमाता हूँ वो भाई मेरी फट के 4 हो जाती है। कितने सारे बंदे आ चुके हैं मिलिट्री बेस, तो जल्दी से गन लेंगे और बंदों पे धावा बोल देंगे। और यहाँ पे एक SKS मिल जाती है और सामने बंदा भी दिख जाता है, तो इसको भाई यार मैं नॉक तो दे देता हूँ। फिनिश करने की भी ट्राई कर रहा था लेकिन यार वो कवर में चला जाता है और मैं भी नीचे कूद जाता हूँ कभी कोई ऊपर टावर से भरना दे। तो जल्दी से कोई अच्छी सी गन्स लेंगे और फिर चलेंगे बंदों पे धावा बोलने। तो यहाँ पे मुझे मिल जाती है UMP और ऊपर मिल जाती है मुझे एक बिजोन और सामने मिल जाते हैं 2 फ्री के किल्स। तो यार इन बोटों को मार के मैं KD बढ़ा लूँगा, तो सबसे पहले पेल देता हूँ इन दोनों को। तो गाइज इनको मारने के बाद क्या पता इनके कोई अच्छी गन हो, तो मैं इनको लूटने के लिए भी चला गया सामने। रिक्स था, कोई टावर से मार सकता था मुझे यहाँ पे, लेकिन यार रिक्स तो लेना ही पड़ता है ना। तो दोनों बोटों की पेटी लूटने के बाद मुझे डबल AKM मिल जाती है और मैं जब छत पे आता हूँ तो अगली छत पे मुझे एक बंदा भी दिख जाता है। तो इस बंदे को मैं नॉक तो दे दूँगा और मैं इसको फिनिश करने की सोच रहा था। लेकिन तभी इसका दूसरा टीममेट आ जाता है कि तूने मेरे बंदे को कैसे मारा, और यार AKM पे 4x लग गया था तो वो बच गया, लेकिन अब उस पर रश कर दूंगा मैं। तो गाइज ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था और जैसे ही मैं आता हूँ खड़ा होकर फायर कर देता है शुरू और फिर लेट जाता है दोबारा। तो भाई अगर जो तुम्हें लेट नहीं है तो खड़े क्यों हो ही क्यों रहे हो तुम खड़े। तो भाई उसको भी मार देते हैं और थोड़ी यहाँ पे लूट वगैरह कर लेंगे। और इन बंदों ने यार फ्लेयर भी चला दी थी, तो फ्लेयर ड्रॉप भी आ चुका है यहाँ पे। तो भाई ये बंदे तो ज़्यादा ही खतरनाक हो रहे हैं। और तभी मुझे दिखता है एक सामने बंदा, तो भैया धूप ले रहे थे ये भैया जी यहाँ पे। और यार मेरी एक कैम लगी हुई थी ऑटो पे, जैसे ही मैं उसको सिंगल पे करके इसको भरने की सोचता हूँ वो नीचे कूद के बच जाता है। और अब सामने से आ रहे हैं मुझे फर्स्ट स्टेप, तो देखो गेट की मार रहे हैं यहाँ पे ये। तो भैया गेट और दीवार में तो इन्होंने छेद ही कर दिया होगा, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे ये। ऐसे ही मैं नीचे चला जाता हूँ, मुझे फिर से दोबारा ऊपर से फुट स्टेप आते हैं, तो मैं देखने जाता हूँ और सामने बंदा बहुत ही गंदी टीपी भी ले रहा है। तो गाइस ये वाला बंदा मुझे भरने की सोच रहा था लेकिन मुझे उसके फुट स्टेप आ गए थे। और यहाँ पे एक बोट को भी मार देंगे और अब फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि टावर पे बंदे आ चुके हैं। तो पहले तो मैं सामने देख रहा था बंदे और मैं मिनी 14 ले लेता हूँ अपने फ्रेंड से, लेकिन जब भी मुझे टावर से इतनी गंदी पड़ती है ना तो भाई बच ही गए यहाँ पे, तो दोनों मार ही देता। तो जल्दी से मैं देखने की कोशिश करूँगा और नॉकआउट देने की कोशिश करूँगा क्योंकि मिनी तो मैंने ले ही ली है, पर यार वो बंदे छुपे पड़े हैं टावर पर लेटा हुआ ये रहा। तो गाइज उसको मैं टपा टप देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बच जाता है। तो मैं वहाँ से निकलने की सोच रहा था और मैंने टीममेट से भी बोला था कि आजा निकल वहाँ से क्योंकि हम मर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जब यार ये बुद्धू नॉक हो जाता है तो जल्दी से मैं इसको रिवाइव देने आता हूँ। और गाइज ये पहले तो मुझे थोड़ी सी मुंडी दिखाता रहता है और फिर एकदम से छुप जाता है। तो जैसे ही वो छुप जाता है मैं भी अंदर चला जाता हूँ रिवाइव देने के लिए। और भाई टावर से एक साथ 2-3 बंदे पीक दे रहे हैं और एक बंदा मुझे सामने भागता हुआ दिखता है। तो गाइज यार मैं उसको नॉक करने की सोचता हूँ और उस पर शॉट्स मारता हूँ, लेकिन जब भी दूसरा बंदा यार M416 से भर देता है तो मैंने सोचा कि यार इनसे फाइट लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे निकल लिया जाए। तो मैं यार फ्लेयर ड्रॉप की तरफ चला जाता हूँ और वहाँ पे भी मुझे एक बंदा मिलता है। तो यार ड्रॉप के पीछे छुपा हुआ था ये। और यार यहाँ पे मैं क्राउच हो गया और ये बंदा इतना कंफ्यूज हो गया, इसको मैं दिखाई नहीं इस झाड़ के पीछे, तो इसको भी मार दूंगा मैं। और इसको मारने के बाद इसका टीममेट भी आ चुका है उसका बदला लेने के लिए, तो यार इसको भी मैं बहुत ही गंदा मारने वाला हूँ। तो सामने वो TP भी ले रहा है, पहले मैं AKM चलाता हूँ ताकि वो पीक दे और फिर एक मोली कर दूंगा, लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग चुका है। और वो बंदा भाग के किधर आता है ये तो देख लो जरा।
तो भैया जी नीचे से रश करने आ रहे थे हम पे, लेकिन हम इनको फेल देते हैं। और अब भाई टावर वाले जिन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा था, नोक पे नोक हमें भी दिए जा रहे थे, उनकी नाक में नीचे से दम कर दिया है सीमेंट्री वालों ने। तो भाई सीमेंट्री वाले इनको भरे जा रहे हैं। मुझे एक बंदा सामने नोक दिखता है, तो यार मैं उसका किल चुरा लेता हूँ। नीचे जो सीमेंट्री वालों ने ऊपर टावर वालों का नोक दिया था, तो मैं समझ गया। तो जैसे ही नीचे वाली स्क्वाड या फिर टावर वाली स्क्वाड एक स्क्वाड को मारती है, तो यार मैं उन पर कर देता हूँ क्लोज इन, और एक बंदा मेरा टीममेट भी नोक दे देता है उनका, लेकिन वो बंदा बाद में हो जाता है रिवाइव। तो देखो यार अब क्लोज इन कर देते हैं और इनको कैसे मारेंगे। अभी मुझे एक सल्लू भाई गाड़ी लेके भागता हुआ दिखता है, तो देखो भाई इसको तो ग्रोजा से भर दूंगा। और अब एक बंदे के नीचे से भी फुट स्टेप आ रहे हैं, तो यार ये बंदा कैसी टीपीपी ले रहा था बता देना कमेंट में, क्या ही कर रहा था यार ये, इसकी टीपीपी में छेद था। तो इसको मारने के बाद पूरा मिलिट्री बेस साफ हो जाता है। मैं सामने देखने की कोशिश करता हूँ, कोई नहीं दिखता। तो भाई देख लो जब मैच शुरू हुआ था कितने बंदे बचे हुए थे, तो आधे से ज़्यादा बंदे इस सर्वर के मिलिट्री बेस में ही मर गए। और देखो अब 20 ही बंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा रहा था, और जब गाड़ी घुमा रहा था इन घरों के आसपास, तो किसी ने फुटस्टेप नहीं दिया। और अब जब यहाँ से मैं निकलने वाला था, तो पीछे से एक कैम चलती है, तो यहाँ पे कैंपर स्क्वाड बैठी हुई है। और जब ही सामने मुझे एक बंदा दिखता है, उसको भरने की सोचता हूँ, लेकिन ऊपर से एक मुझे भर देता है। तो अब देखो उसको भी बहुत ही गंदा मारेंगे हम। तो गाइस ये मेरे पे बम करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसके सिर को भर देता हूँ गोलियों से। और जब ही देखो मेरे साथ क्या हुआ, तो गाइस ये बंदा तो यार बिल्कुल ही नॉक देने ही वाला था, वो तो थोड़े रिफ्लेक्सेस सही थे मेरे, M249 से भर दिया। तो गाइस मुझे आगे से फुटस्टेप आ रहे थे, तो यार मैं इन पे बम वगैरह फेंकने की कोशिश करता हूँ, जो कि बिल्कुल ही नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है तुम्हारे भाई के नेट कैसे होते हैं। तो यार इन नेट से कोई भी नहीं फटता है, तो फेंक देता हूँ जब भी मैं एक दो नेट। और यार ये पता नहीं पबजी का नया ग्लिच है या फिर क्या है, बम पे दबाते हैं तो यार दो बारी में दबता है वो, एक बारी में दबता ही नहीं है। पता नहीं यार पबजी क्या नशे कर लेता है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं बम वगैरह कर लेता हूँ, और मुझे फुट स्टेप तो आ रहे थे एक और बंदे के, लेकिन पता नहीं यार छत पे सिर्फ दो ही बंदे मिलते हैं, और उनको कर देता हूँ मैं फिनिश। लेकिन यार एक बंदे के और फुट स्टेप आ रहे थे, वो बंदा किधर गया? तो यार उसको ढूंढता हुआ मैं यहाँ पे इन घरों को चेक कर रहा था, और मैं यहाँ पे गेट खोल देता हूँ, तो कोई भी नहीं दिखता। लेकिन यार गोली चलने की आवाज़ आने लगी थी, तो देखो अब क्या होगा। तो भैया जी उसी वाली खिड़की में बैठे हुए थे के, और इनको भी भर देते हैं। भाई अगर जो मैं बालकनी में गलती से भी रुक जाता ना थोड़ी देर, वो बंदा यार बहुत ही गंदा मार देता। तो यार एक ही बंदा था वहाँ पे, वो चौथा बंदा पता नहीं उनका किधर था। तो यार अब आ जाते हैं हम फेरी पियर, और सामने से आ रहे हैं बानाउट से बंदों के फुट स्टेप, और पता नहीं यार कितने बंदे हैं, लेकिन यार वो बहुत ही तगड़ी टीपीपी ले वे के बैठे हैं। तो यार मैं छुप के आया था इन पे, लेकिन यार टीममेट ग्रोजा चला देता है, तो कोई बात नहीं, उनको पता चल चुका है पीछे बंदे आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन पे फेंक रहा हूँ स्मोक, और अपने टीममेट से बोल देता हूँ कि उनकी विंडो पे एक स्मोक फेंक दे, ताकि उनका टीपीपी ब्लॉक हो जाए और वो हमको देख ना पाए। और देखो यार अब वो वहीं पे एक एग्जैक्ट स्मोक कर देगा, और मैंने भी फेंक दिया एक स्मोक वहीं पे, तो अब यहाँ पे हो जाता है स्मोक। और यार ये हमारी ट्रिक आ जाती है काम, तो भाई काम में इसलिए आ जाती है ये, वो बंदे पीछे जा चुके हैं और हमें आ गए हैं फुट स्टेप, और अब मैं कर दूंगा उन लोगों पे रश। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि वो कब पीछे जाएं, तो वैसे ही मैं उन पे रश कर दूंगा। तो जैसे ही वो पीछे जाएंगे मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, और एक मैं खिड़की में बम भी फेंक दूंगा, ताकि वो दोबारा वहीं पे आके ना खड़े हो सके। और यार ये वाले बंदे बहुत ही गंदी टीपीपी ले रहे थे, और देखो यार सरप्राइज अटैक देंगे मुझे। बट यार मूवमेंट शूट से इन बंदों को भी पेल देते हैं, इनकी वाट लगा देते हैं। और अब पीछे से भी चल चुकी हैं गोलियां, वहाँ पे लड़ाई बज रही है बंदों की लेट लेट के। तो देखो, और जब भी मुझे एक चीज़ दिखती है सामने लेटी हुई हरी, भैया हम समझ गए तुम्हारे पास गिली सूट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी लेट जाओगे। और अब यार हमारे पे जोन एडवांटेज, हमारे घरों पे बन चुका है जोन, और जो बाहर फाइट ले देते उनके लिए आफत आ चुकी है बहुत ही गंदी। तो पहले तो एक बंदा दिख जाता है, इस बेचारे को आराम से नोक दूंगा, और अब इसके टीममेट भी वहीं कहीं होंगे, तो उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ किधर है वो। तो उसी के बाद मुझे दिखता है एक लेफ्ट में मांबा कोबरा, जो भी आप बोल सकते हो, नशेड़ी सांप। तो यार इस नशेड़ी सांप को मारने के बाद इनका बहुत ही बुरा कट गया था, ओपन में लेटना पड़ गया था, क्योंकि जोन हमारे घरों पे बन गया था। तो इन लोगों के लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। और अब सुनाने वाला हूँ मैं आप लोगों को आज की सनसनी।
सामने वॉल पे बैठा हुआ है एक एनिमी और ये जो बंदा है लोन रेंजर वो उस पर फेंक देगा अनगिनत बम जितने रेड जोन में बनते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। तो वो नेड आपको गिनने हैं और बताना इस पर मैंने कितने बम फेंके। और यार ये बंदा हैक लेके आया है कि चाहे मैं किसी भी गन से मर जाऊँगा लेकिन मैं बम से नहीं मरूँगा। तो इस बंदे ने कर रखा है मेरी नाक में दम। तो गौर से देखिए इस शख्स को जिसने पबजी में किया मेरी नाक में दम। और ये वाला बम मैंने इसके फेंका टकले पे और टकले पे बाउंस होके पीछे गिर गया। किस्मत की मैं दाद देता हूँ, मुझे इसको कूद के ही मारना पड़ा। इस नशेड़ी ने बहुत ही ज़्यादा सिर में और पिछवाड़े में दर्द कर दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.